अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 3.3, आज हम सॉल्व करेंगे 3.5, जो कि इस चैप्टर का, हमारी इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का। इसके बाद चैप्टर 3 की पूरी सीरीज़ चैनल पर कम्प्लीट हो चुकी होगी। 3.5 काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, इसके जैसा 3.6A भी था, वो भी काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, वो भी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन का था, ये भी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन है। तो इसकी ट्रांजेक्शन्स हम टी अकाउंट्स में नहीं, हम वही अकाउंट जो हमारा कॉलम वाला मेथड है, टू कॉलम वाला, उसी में हम इसकी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। टी अकाउंट्स में अगर आपको चाहिए तो वो आपके बुक के पीछे गिवन है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड चुना है कि आपके जो है आपके पास दोनों टाइप के आंसर्स आ जाएँ। तो इसमें 20 से 25 ट्रांजेक्शन्स आपको दी हुई हैं, जिसको हमें रिकॉर्ड करना है एल इंडा के अकाउंट्स में। तो चलिए देखते हैं 3.5। एंडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट्स ऑफ एन लिंडा, 20x7 जुलाई की सारी ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट से शुरू करते हैं। स्टार्टेड इन बिजनेस विद 20,000 pound इन द बैंक। तो सबसे पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है एज यूजल जो हमेशा करते हैं ये लोग, 20,000 pound से बैंक के। तो हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं और कैपिटल में भी आए हैं। तो कैपिटल में जब आते हैं तो वो हमारा क्रेडिट होता है। उसी के साथ मैंने आपको बताया था कि नीचे आप डिस्क्रिप्शन दे दिया करें, अच्छी बात होती है। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ एल इंडा कैपिटल, बस। क्योंकि हमने पिछले सवालों में कंपनी लिखा था, क्योंकि यहाँ पे एल इंडा नाम गिवन है, तो हम यहाँ पे सीधा उनका नाम लिख लेते हैं। उसके बाद सेकेंड जुलाई को आर यूज लेंड्स अस 5,000 pound इन कैश। तो आर यूज नाम के बंदे ने हमें कुछ पैसे उधार दिए हैं 5,000 इन कैश, तो हमारे पास जो है आर यूज क्रेडिटर हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले कैश इंक्रीज हुआ है और आर यूज का नाम है, 5,000 इन्होंने हमें दिए हैं। और इसकी मैं लिख लेता हूँ, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिटर, सिंपल, बस क्रेडिटर लिख देते हैं, खुद ही समझ जाए। उसके बाद आ जाते हैं 3 जुलाई को, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन 1530 pounds एंड आई जेस या एल जेस 4162 pounds। तो दो बंदों से हमने क्रेडिट पे परचेजिंग की है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेबिट लिख लेता हूँ, जो कि हमें पता है हमारी परचेज है वो जो डेबिट होती है, परचेज गुड्स। तो मैं इन बी ब्राउन और आई जेस ये हमारे क्रेडिटर हैं, तो ये दोनों की वैल्यू क्रेडिट होगी, बी ब्राउन आई जेस। अब मैं इनकी अमाउंट लिख लेता हूँ, 1530 4162। तो मैंने ये अलग अलग करके लिए ताकि कोई मसला ना हो, ठीक। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बाउट, बस। उसके बाद 4 जुलाई को आ जाते हैं, 4 जुलाई को इन्होंने सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1910 pounds, 1910 pounds के इन्होंने कुछ हम गुड सोल्ड किए हैं कैश पे। तो सबसे पहले हमारे पास कैश आया है 1910, और चूंकि हमने सोल्ड की है तो यहाँ पे हमारा सेल्स गुड्स, हमने यहाँ पे सेल्स की है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद 6 जुलाई को आ जाते हैं, 6 जुलाई को took 200 pounds ऑफ द कैश एंड पेड इट इन टू द बैंक। तो 200 pound जो इनके पास कैश में थे वो उन्होंने बैंक में यानी कि डिपॉजिट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसे इंक्रीज हुए हैं और हमारे पास कैश था जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे पास से कैश चला गया है, तो कैश क्रेडिट हुआ, बैंक डेबिट हुआ। टू रिकॉर्ड द
ट्रांजेक्शन ऑफ कैश डिपॉजिट। तो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि आप अपने ट्रांजेक्शन के हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं जो आपको सही लगे, जो आपकी ट्रांजेक्शन को वेल डिफाइन कर रही हो कि आपकी ट्रांजेक्शन किस चीज़ के लिए परफॉर्म हो रही है। वन लाइन, शॉर्ट लाइन, बट ऐसी लाइन हो कि उसमें पूरी आपकी ट्रांजेक्शन की मीनिंग आ जाए। उसके बाद 8 जुलाई को आ जाते हैं, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू एच राइस 1374 पाउंड्स। 1374 पाउंड्स के हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए हैं एच राइस को। सबसे पहले मैं अमाउंट लिख लेता हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ अमाउंट। ठीक, तो एच राइस को हमने सोल्ड किए हैं बिकॉज वो हमारा डेप्टर है, उसने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, क्रेडिट पे लिए हैं और हमने उसको सेल्स किया है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, उसके बाद 10th of July को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू पी टेलर 341। सेम ट्रांजेक्शन है, बस नाम अलग है, अमाउंट अलग है। 341 पी टेलर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सोल्ड। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम 11th of July को, बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ब्राउन 488 पाउंड। बी ब्राउन से हमने कुछ और गुड्स बाय कर लिए हैं 488 पाउंड्स के। तो पहले मैं अमाउंट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपल परचेज किया है और बी ब्राउन से किया है, ये हमने पहले लिखा था तो इसलिए वो खुद ही ऑटोमेटिक आ गया है। ओके, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बाउट। उसके बाद 12th जुलाई को क्या ट्रांजेक्शन हुई है, 12 जुलाई को एच राइस रिटर्न गुड्स टू अस 65 पाउंड्स। तो एच राइस को जो हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए थे उसमें से उसने 65 पाउंड्स के जो गुड्स हैं वो हमें रिटर्न कर दिए, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेल्स रिटर्न हुआ है, रिटर्न इनवर्ड्स हुआ है हमारे पास हुआ है। तो यहाँ पे 65, पहले मैं अमाउंट लिख लेता हूँ, सेल्स रिटर्न सेल इनवर्ड। ठीक है, दोनों आप बोल सकते हैं, सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं, सेल्स इनवर्ड भी बोल सकते हैं। और ये हुआ है एच राइस की तरफ से, तो मैं यहाँ पे एच राइस का नाम लिख देता हूँ टू, क्योंकि उसके बदले हमें उसको कुछ देना होगा, लेकिन क्योंकि उसने हमसे उधार पे मार लिया था तो हम उसकी उधारी में से कम कर लेंगे। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। उसके बाद आ जाते हैं 14th of July को, 14th of July को क्या हुआ है, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी पेट एंड आर सिम। ये दो बंदों को हमने कुछ सामान बेचा है, वो भी डेप्ट में यानी कि क्रेडिट पे यानी कि उधार पे। तो जी पेट और आर सिम में इन दोनों को नाम लिख लेता हूँ पहले, जी पेट आर सिम, और हमने इनको किया है सेल्स। ठीक है, अमाउंट मैं इनकी देख लेता हूँ, 535-262 to record the transaction of good sold। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई नहीं, वो चूंकि मैं आपको पहले सवालों में बता चुका था, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है मेरी तो मैं आपको बता देता हूँ ये हमने दो दो करके क्यों लिखा है। कि आप जैसे 14th जुलाई की ट्रांजेक्शन में देख सकते हैं जी पेड आर सिम अलग अलग करके, हालांकि हर ट्रांजेक्शन दो लाइनों में चल रही थी, इनकी तीन लाइनों में आई है। वो बिकॉज इसके लिए मैं आपको सवाल पे लेके चलता हूँ, 14th जुलाई की अगर आप ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी पेड एंड आर सिम, तो यहाँ पे दो बंदों को हमने क्रेडिट पे सामान बेचा है तो वो एक ही दिन हुआ है।
तो चूँकि वो एक दिन की ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये दो अलग अलग बंदे हैं, तो इनको इसलिए हमें दो अलग अलग लाइनों में लिखना होगा और इनकी अमाउंट भी अलग अलग लिखनी होगी। अब इसमें डेबिट क्या हो रहा है हमारा? डेबिट ये हो रहा है कि वो हमारे जो दो बंदे हैं उन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, वो हमारे डेबिटर्स हैं, और डेबिटर्स हमें पता है डेबिट वाले साइड पे आता है जब भी इंक्रीज होता है, क्योंकि वो सामने वाले बंदे पे लायबिलिटी है, वो जब भी हमें पैसे देगा हमारे पास इजाफा होगा पैसों का, तो इसलिए हम उसको डेबिटर वाले साइड पर लिखते हैं। और इसीलिए मैंने 14 जुलाई के ट्रांजेक्शन में इन दोनों को अलग अलग लाइनों में लिखा है, और सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ था, सेल्स की अमाउंट भी मैंने इनकी प्लस करके नहीं अलग अलग ही लिखी है, इसी तरह ही लिखी जाती है ताकि आपको पता चले अकाउंट्स आपका मेंटेन चल रहा है। तो ये तो अभी आपकी दो दो हैं, आगे जब आप सवाल करेंगे तो आपको तीन तीन चार चार ट्रांजेक्शंस भी दिखेंगी एक एक उसमें एक डेट पे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 15 जुलाई को आ जाते हैं। 15 जुलाई को क्या हुआ है? वी रिटर्न गुड्स टू बी ब्राउन 94 पाउंड। 94 पाउंड्स के हमने कुछ गुड्स जो हैं बी ब्राउन को रिटर्न कर दिए हैं, तो यहाँ पे हुआ है परचेज रिटर्न। तो बी ब्राउन परचेज रिटर्न टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिटर्न। अच्छा, परचेज रिटर्न को भी आप एक और नाम दे सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न आउटवर्ड। तो जैसे कि हमने सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोला था, इसको हम रिटर्न आउटवर्ड बोल सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। ओके, इसके बाद आ जाते हैं 17th of July को। 17th of July को बाउट वैन ऑन क्रेडिट फ्रॉम अबरडीन कार्स LTD 4,370 पाउंड। तो अबरडीन कार्स LTD पे हमने क्रेडिट पे एक वैन ली है 4,370 पाउंड वैन ली है अबरदीन कार्स LTD से टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ अबर टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ वैन बाउट। ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम 18th of July को। 18th of July को बाउट ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे विंटर LTD 1800। तो इस बार हमने ऑफिस फर्नीचर बाई किया है जे विंटर LTD से, वो भी क्रेडिट पे 1800 अमाउंट है ऑफिस फर्नीचर की। एल विंटर है, जे विंटर, जे विंटर, जे विंटर LTD टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ फर्नीचर बाउट। ओके, उसके बाद आ जाते हैं 19th of July को। वी रिटर्न गुड्स टू IJS 130 पाउंड। तो हमने कुछ यहाँ पे खरीदा था IJS नाम के बंदे से, उसमें हमने कुछ उसको रिटर्न कर दिया है IJS परचेज रिटर्न। कितने का हमने उसको रिटर्न किया है? 130 पाउंड्स का सामान हमने उसको वापस रिटर्न कर दिया है। वॉट एवर द इशू इज वो हमें नहीं पता। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिटर्न। उसके बाद आ जाते हैं 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अबाउट गुड्स फॉर कैश 390 पाउंड। तो हमने कुछ गुड्स बाय किए हैं, इस बार कैश पे दिए हैं भाई, हमने क्रेडिट पे नहीं लिया है 390। तो यहाँ पे हमने की है परचेजिंग, और वो भी कैश पे, टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स बाउट।
ओके, उसके बाद आ जाता है 24 जुलाई को। 24 जुलाई को गुड्स सोल्ड फॉर कैश 110 पाउंड्स। इस बार हमने कैश पे जो है कुछ गुड्स बेचे हैं, तो ये रिकॉर्ड कर लेते हैं हम। 110 यानी कि 110 की अमाउंट है सेल्स गुड्स कैश। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद आ जाते हैं 25 जुलाई को। 25 जुलाई को पेड मनी ओइंग टू बी ब्राउन बाय चेक 1924 पाउंड्स। तो बी ब्राउन का जो खाता हमारे पास चल रहा है उसको हमने पैसे अभी तक नहीं दिए थे, वो हमने चेक के जरिए 1924 उसकी अमाउंट थी वो हमने पे कर दिए हैं। 1924 1924। तो सबसे पहले हमने उसको चेक के जरिए दिए हैं, तो बैंक में हमारे पैसे डिक्रीज हो गए होंगे, और बी ब्राउन का खाता हमने क्लियर कर दिया है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ कॉइन मनी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 26 जुलाई को। 26 जुलाई पे चलते हैं। गुड्स रिटर्न टू अस बाय जी पेड 34 पाउंड्स। 34 पाउंड्स के जो हम कुछ गुड्स हैं उस जी पेड ने हमें रिटर्न कर दिए, यानी कि हमारे पास सेल्स रिटर्न हुआ है। सेल्स रिटर्न जी पेड ने किया है। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स रिटर्न। उसके बाद आते हैं 27 जुलाई को। 27 जुलाई को रिटर्न सम ऑफ ऑफिस फर्नीचर कॉस्टिंग 180 पाउंड्स टू विन जे विंटर LTD। 180 पाउंड्स के जो ऑफिस फर्नीचर है हमने जे विंटर LTD को वापस कर दिए हैं, यानी कि हमने परचेज रिटर्न किया है 180। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज रिटर्न। उसके बाद 28 जुलाई को। 28 जुलाई को एल इंडिया पुट अ फर्दर 2500 इन टू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो इन्होंने 2500 पाउंड जो है और बिजनेस में ऐड किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं एल इंडिया ने कैश के जरिए, यानी कि कैपिटल में इंक्रीज किए हैं। तो कैश हमारा बड़ा है, कैपिटल हमारा बड़ा है 2500। 2500। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ एल इंडिया कैपिटल। उसके बाद आते 29 जुलाई को पेड अबरदीन काज LTD 4370 पाउंड बाय चेक। तो अबरदीन से जो हमने वैन ली थी उसकी अमाउंट हमने चेक के जरिए उनको दे दी है, तो हमारे पास बैंक में से पैसे डिक्रीज हुए हैं और अबरदीन का खाता क्लियर हुआ है। उसकी अमाउंट है 4370। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ क्रेडिटर। सिंपल। उसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन हमारी 31 जुलाई की, अबाउट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 365 पाउंड्स। तो कैश पे हमने ऑफिस फर्नीचर बाय किया है 365 पाउंड का। टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ फर्नीचर अबाउट। तो इसी के साथ हमारा ये 3.5 क्वेश्चन जो कि काफ़ी लेंदी था वो कंप्लीट होता है। मैं आपको क्वेश्चन का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, कहीं पे आपको स्टॉप करके कुछ देखना हो। तो ये है हमारे क्वेश्चन का ओवरव्यू। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, 3.6A भी काफ़ी लेंदी था जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि वो हमने काफ़ी टाइम पहले सॉल्व किया था।
तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चैप्टर 4 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस अगर हैं वो सॉल्व करेंगे। हमारा ट्रायल बैलेंस अभी भी पेंडिंग पे है, ये सब कंप्लीट हो जाए फिर हम ट्रायल बैलेंस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।